अरे छोटू, तू कितने टाइम और लगाएगा मेरी गाड़ी को ठीक करने में? जल्दी कर दे, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अरे मैम साहब, आप बस ना मुझे 10 मिनट दीजिए, आपकी गाड़ी अभी ठीक हो जाएगी। वैसे छोटू, आज तो दुकान में अकेला दिखाई दे रहा है, तेरा मालिक नहीं है क्या? नहीं मैम साहब, मेरे मालिक ना अभी दिल्ली गए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए। क्या, इसका मालिक आज दिल्ली गया है सामान लेने के लिए? इसका मतलब इस दुकान की पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। इसका मतलब इसकी दुकान में पैसे भी रखे होंगे। ऐसा करती हूँ, पानी लेने के बहाने ना इसे बाहर भेज देती हूँ, फिर मैं देख लूंगी इसकी दुकान में कितने रुपए हैं। अरे छोटू, तू एक काम कर, बाहर से ना मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आ, प्यास लग रही है मुझे बहुत तेज। लेकिन मैम साहब, मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी दुकान पर अभी कोई भी नहीं है। मैं इस तरह नहीं जा सकता आपके लिए पानी लेने के लिए। अरे छोटू, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरी दुकान की देखभाल करने के लिए मैं हूँ तो, और वैसे भी तेरी दुकान से कौन क्या लेकर चला जाएगा? इस दुकान में तो सिर्फ कबाड़ा भरा हुआ है, और वैसे भी पानी के लिए तो कोई भी मना नहीं करता है, और तू मुझसे मना कर रहा है। ठीक है मैम साहब, मैं लेकर आता हूँ। अब ये तो अपनी दुकान को छोड़कर चला गया। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर ना अंदर देख लेती हूँ कि पैसे कहाँ पर रखे हैं। इतने सारे पैसे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसकी खटारा सी दुकान में इतने सारे पैसे होंगे। अब जल्दी से ना इन पैसों को जेब में रख लेती हूँ, वरना वो आ जाएगा। अरे ये मैम साहब कहाँ पर चली गई? थोड़ी देर पहले तो बोलकर गई थी कि मेरे लिए पानी लेकर आ जा, मुझे लगता है कहीं पर गई हैं। थोड़ा वेट कर लेता हूँ, पानी यहाँ पर ही रख देता हूँ। अरे मालिक साहब, आप तो दिल्ली गए थे सामान लेने के लिए, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे छोटू, मैं गया तो था दिल्ली, लेकिन यार मुझे रास्ते में याद आया कि मैं पैसे तो यहीं पर भूल गया हूँ, तो फिर सामान कैसे लेकर के आता? भाई पैसे लेने के लिए आया हूँ मैं, और वैसे भी ना मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं है जो मैं उनको ऑनलाइन पेमेंट कर देता, तो कैसे ले जाना पड़ेगा मेरे लिए। ठीक है साहब, आप ले लीजिए। ठीक है, अभी ले लेता हूँ। अरे ये संदूक खुला हुआ क्यों है? पैसे तो हैं इसमें। अरे इसमें तो पैसे भी दिखाई नहीं दे रहे, पैसे कहाँ चले गए? इसमें तो पूरे 2 लाख रुपए थे, ऐसे कहाँ चले जाएंगे पैसे? मुझे लगता है ये संदूक ना इस छोटू ने जरूर खोला होगा। अरे छोटू इधर आ। जी साहब। ये संदूक अभी खुला हुआ था और इसमें मैं पैसे रख करके गया था, वो पैसे तूने देखे थे? नहीं साहब, मैंने तो वो पैसे देखे भी नहीं है, और साहब मैंने तो संदूक को खोला भी नहीं है। क्या कहा तूने कि तूने संदूक को नहीं खोला है? तो फिर संदूक को खोला किसने है? और वैसे भी आज तेरे सिवा ना इस दुकान में कोई भी लेबर नहीं आई है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसमें से पैसे नहीं निकाले हैं। अरे छोटू, मेरी गाड़ी ठीक हो गई या अभी नहीं हुई है? मैम साहब, आपकी गाड़ी तो तभी ठीक हो गई थी जब आप कहीं पर चली गई थी, लेकिन पता नहीं आप कहाँ पर चली गई थी, मैंने आपको ढूंढा भी। अरे वो कुछ अर्जेंट कॉल आ गई थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। अरे मालिक साहब, मैम साहब आ गई हैं, आप इनकी गाड़ी का खर्चा बता दीजिए। हाँ मैडम बताइए। वो मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए आई हूँ, तो मुझे बता दीजिए कि मेरी गाड़ी में कितना खर्चा आया। एक सेकंड मैम, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। एक तो आपकी गाड़ी में ऑयल फिल्टर पड़ा है, और एक आपकी गाड़ी में फॉग लैंप डाला हुआ है। छोटू और क्या पड़ा है मैम की गाड़ी में? साहब मैम साहब की गाड़ी में एक शीशा भी पड़ा है। हाँ शीशा भी पड़ा है सामने का, और प्लस सर्विस हुई है इसकी। मैम आपके टोटल बनते हैं 2,30,000 रुपये। क्या 2,30,000 रुपये? तुम्हारा दिमाग सही है या खराब हो गया है? इतने की तो मेरी गाड़ी भी नहीं है जितना कि तुम उसमें खर्चा बता रहे हो। अब मैम हम कर भी तो क्या सकते हैं, जितना सामान आपकी गाड़ी में पड़ा है भाई हमने बताया, अब आज के टाइम पर तो सामान वैसे भी बहुत महंगा चल रहा है ना। 50-60 हज़ार रुपए लेके तो मेरी गाड़ी है, उसमें से तू कह रहा है कि 2,30,000 रुपए मैं तुझे दे दूं। एक काम कर, मेरी गाड़ी ना तू ही रख ले, मुझे ले जानी ही नहीं है। अरे मैडम ये आप क्या बोल रही हो,
आपकी गाड़ी को हम कैसे रख सकते हैं? और वैसे भी आपकी गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर है और हमारे पास तो अपनी खुद की गाड़ी है ना, हम आपकी गाड़ी पर क्या करेंगे? और मैडम आपकी गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है ना, हमारा पैसा लगा है उसमें, तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को छोड़ करके नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अरे रुकिए मैडम, आप पुलिस को बुलाने की तकलीफ क्यों कर रही हैं? हम ही पुलिस को बुला लेते हैं। इसमें तो सारी गलती तेरी है, फिर तू क्यों पुलिस को बुलाएगा? क्या कहा, सारी गलती मेरी है? मैडम सारी गलती तो आपकी है, आपने एक बार मुझसे ये नहीं पूछा कि इतना महंगा सामान आपकी गाड़ी में क्या पड़ गया। तो मैडम सुनो, 2 लाख रुपए जो आप मेरी दुकान से चोरी करके लेकर गई हो ना, वो भी उस सामान में ऐड कर दिया है मैंने, और 30,000 रुपए तुम्हारी गाड़ी में लग चुके हैं। 2,30,000 रुपए तब जा करके बनते हैं, इसलिए चुपचाप 2,30,000 रुपए निकालो और यहाँ से निकलो। और तुमने क्या सोचा कि दुकान पर छोटू अकेला है तो तुम मेरी दुकान से चोरी करके चली जाओगी? मैडम मैं ऐसे ही इस पूरी दुकान को इस छोटू के हवाले करके नहीं जाता हूँ। ये देखो मेरी दुकान में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुमने ही मेरी दुकान से पैसे चोरी किए हैं। अब अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना चाहती हो ना, तो अभी आपके लिए दिखा देता हूँ, ये देखो। तुम्हारी दुकान में सीसीटीवी कैमरा है? वैसे देखने में तुम्हारी दुकान तो एकदम खटारा दिखती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी इस दुकान में सीसीटीवी कैमरा होगा। मैडम मैकेनिक लोगों की दुकान ना ऐसी ही होती है, तो क्या हम इसको शोरूम बनवा दें? अगर शोरूम बनवा भी दिया ना तो वैसे भी ये काली पीली पड़ जाएगी। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप मेरे पैसे निकालो वरना अभी कभी यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा। नहीं नहीं आप पुलिस को मत बुलाना, मैं आपके पैसे अभी देती हूँ। ये लीजिए आप अपने पैसे और 30,000 रुपये आपको मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ, आप अपना QR कोड दीजिए। ये लीजिए। हो गया, देख लीजिए आ गए होंगे। हाँ ठीक है आ गए, लेकिन अगर आगे से कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश की ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, पुलिस से पकड़वा दूंगा, और आगे से मेरी दुकान पर आने की भी जरूरत नहीं है, समझी? वहाँ पर खड़ी तुम्हारी गाड़ी लेकर चली जाओ। ठीक है चल छोटू, तू काम कर फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है।